वेलकम टू माई चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय सायमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम, और हम आपके लिए एक किचन टिप्स के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज हम असल में आपको एक छोटी छोटी टिप्स इसलिए दे रहे हैं कि आजकल महंगाई का दौर इतना है और हर शख्स चाहता है कि अपने किचन को अच्छे से डेकोरेट कर लें, घर को डेकोरेट कर लें। तो हम आपको ऐसी छोटी छोटी और सस्ती वाली टिप्स देंगे जो आपको अच्छी भी लगेंगी, शायद आप हंसे भी, लेकिन ये बहुत अच्छी और छोटी सी टिप्स हैं। तो देखें, ये मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको देखें, आप अक्सर मुझे यहाँ देखते हैं कुकिंग करते हुए। ये मेरा शेल्फ हैगा और ये आपको डब्बे नज़र आ रहे होंगे, तो ये आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है। नया इसमें कुछ भी नहीं है, इसको नया मैंने थोड़ा सा कर दिया है, थोड़ा क्रिएटिव कर दिया है। ये देखें, मेरे पास ये डब्बे हैं, तो ये आप डब्बा देखें, ये दूध के डब्बे होते हैं बच्चों के। ये देखें, ये इसके नीचे जो गोल्डन आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसका ढक्कन है और ये डब्बा था, इसके ऊपर जो दूध का वो लिखा हुआ होता है। तो मैंने इसको पेपर कर दिया और ये ढक्कन इसके मैंने नीचे ही कर दिया है, तो इसके नीचे इसकी गोल्डन बेस बन गई है। तो ये देखें, मेरे पास जो जितने भी तरह के स्पून्स हैं, चमचे हैं और कटर्स हैं, और मेरे पास नाइफ हैं जितनी भी, तो मेरे पास जो भी डब्बे थे तो मैंने हर सबको सेक्शन में अलग अलग बांट दिया। तो देखें, एक तो इससे ना जगह भी कम घिरती है, और दूसरा ये कि हर सारी चीज़ें जो है ना अलग अलग जो है सीरीज़ में आ जाती हैं और प्रॉपर सेट भी हो जाती हैं। तो एक बॉक्स में मैंने अपने सारे जो पतीली में और कुकर वगैरह के लिए यूज़ डिश में यूज़ करने के आएंगे वो चमचे मैंने इसमें रखे हैं। और इसमें देखें, मेरे सारे फॉर्क हैं और छोटे और बड़े सारे मैंने चमचे इसमें ये सेट कर दिए हैं ताकि ये एक सेक्शन अलग बना रहे। अच्छा, ये देखें, ये मेरे चमचों का सेक्शन था, और ये दूसरा वाला देखें, इसमें मैंने ये मेरी छन्नी है और ये सब, ये मेरा इसमें ब्रश है ऑयल का, ये मेरा सीज़र है जो मैं अक्सर हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें काटने के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। और ये मेरा एक छोटा सा कद्दूकश करने का ये है, ये सबके घरों में होता है तो ये छोटे मैं यूज़ करती हूँ। और बाकी मेरे ये सारे चमचे इस तरह का है, ये दही फेंटने का मेरा ये सब इसमें रखा हुआ है। और ये दूसरा वाला देखें, सेक्शन एक मैंने बनाया हुआ, इसमें मेरे सारे कड़े की, ये मेरी बड़ी नाइफ है, इसमें छोटी भी है, स्मॉल साइज़ की भी है, और ये मेरा देखें, ये पील ऑफ करने का ये मेरा कटर भी इसमें रखा हुआ है, तो इसका मैंने अलग पोर्शन बनाया हुआ है। तो इससे बस कहने का और बताने का मकसद ये है कि इससे मुझे इतना ईजी होता है कि हर चीज़ का बॉक्स अलग बना हुआ होता है और किसी एक बास्केट में सारी चीज़ें नहीं है, या किसी एक ड्रॉज में कि मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो कुकिंग करते वक्त हम चाहते हैं हमारा वक्त बचे और जल्दी जल्दी। और ये देखें, डब्बे पे ना मैंने, आप इस पर कोई भी पेपर चढ़ा सकते हैं, मेरे पास ये वॉलपेपर था तो मैंने उसको वॉलपेपर को कटिंग करके इसके नाप का और इसको ग्लू से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। तो आप कोई सा भी अपने पसंद का कोई भी पेपर, इसके ऊपर पैकिंग पेपर हो, अखबार हो, या जो भी आपके पास शीट हो, वो आप कलरफुल इसके ऊपर अलग अलग कलर की चढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको किचन को प्यारा करती हैं और खूबसूरत, और इसमें आपका सुघड़पना भी एक नज़र आता है और पैसे की और वक्त की बचत भी होती है। बाज़ार से हम ख़रीदते हैं तो इतने महंगे महंगे हमको इसके मिलते हैं चीज़ें सारी, तो अगर हम कभी नई ख़रीदना चाह रहे होते हैं और हमारा दिल भी चाह रहा होता है कि हम अपने किचन को कोई नया लुक दें, तो आप इस तरह अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी है किचन की, तो हमारी इसके टिप को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी टिप्स कैसी लग रही हैं छोटी छोटी, और हम आपके लिए एक नई रेमेडी, नई रेसिपीज और किचन टिप्स के साथ हाजिर होंगे जल्दी जल्दी। मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।